कबीर खान, मैं अमरजोत बोल रहा हूँ, अमरजोत सिंह मेरा। जी सर जी, और मैं बात कर रहा हूँ कनाडा से। जी सर, और आप बताएं आपको क्या दिक्कत है, किस बारे में आपको मेरे से मशवरा करना है। सर मुझे ये पूछना था, मैंने कुछ देखा था ना यूट्यूब में, तो उसमें कुछ जो कनाडा का न्यू फॉलैंड है जो स्टेट, वहाँ पे कुछ जॉब निकली है वगैरह, तो आप चेक करके बता सकते हैं कि वहाँ जॉब वगैरह मतलब अवेलेबल है नहीं है। जॉब तो अवेलेबल बहुत जगह हो सकती हैं, लेकिन सवाल असली ये है कि जॉब दे कौन रहा है आपको। सर मैंने सुना था कि वहाँ पे वर्करों की कमी है, तो वो लोग जॉब मतलब दे रहे हैं ऑफर मतलब बिना LMIA के जो होता है, अटलांटिक कुछ प्रोग्राम होता है। किसने सुनाया आपको, कौन बता रहा है आपको, ये बताने वाला कौन है। और ये मैंने यूट्यूब में देखा था ना, यही मतलब वो इमिग्रेशन ऑफिस में मतलब यूट्यूब में देखा था। यार YouTube में तो कम से कम 10 करोड़ वीडियोस हैं, किसने दिखाया आपको, किसने बोला, कोई आदमी का नाम है, कौन बोल रहा है आपको, कोई आपको जॉब ऑफर दे रहा है कि ऐसी का वीडियो देखकर आपको लग रहा है कि जॉब मिलने वाली है। नहीं सर, मैंने इसमें देखा था 197 कुछ कंपनी है न्यू फाउंडलैंड में, वहाँ पे वो जॉब दे रहे हैं, जैसे जंगल रेस्टोरेंट हो गया, जंगल वगैरह रेस्टोरेंट हो गया, और भी मतलब रेस्टोरेंट है जो कबीर होटल। खान, मैं आपसे इल्तिजा करता हूँ, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ भाई, YouTube पे, Facebook पे, वेबसाइटों पे जो जॉब ऑफर मिल रही है, इसके बारे में थोड़ा छानबीन कर लें, देने वाला कौन है। नहीं हम बता रहे हैं आपको, सलाह दे रहे हैं, तो आपने मेरे को फ़ोन किया, वो उनका कनेक्शन मेरे से कुछ नहीं है, मैं उनके बारे में छानबीन नहीं कर सकता। ऐसे तो लाखों कंपनियां हैं कनाडा में जो तरह तरह के जॉब्स वगैरह जो लिखे हुए हैं, मैं किस किस की छानबीन करता रहूँगा, लेकिन मैं आपको एक फार्मूला बता रहा हूँ कि आप खुद ही छानबीन अपने आप कर लें, उनसे पूछें कि आपका नाम क्या है, कहाँ के आप रहने वाले हैं, आप कोई वकील हैं या एम्प्लॉयर हैं, उनसे आप पूछें, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि वो जॉब असली है कि नकली। और कोई भी असली जॉब में पैसा नहीं मांगता, आज तक कोई पैसा मांगने का कोई प्रावधान नहीं है असली जॉब में, तो अगर कोई आपसे पैसा मांग रहा है तो डैट मीन्स कि वो नकली है। नहीं सर, मैं तो अभी तक किससे मैं मतलब कांटेक्ट नहीं हुआ, मैं तो ये आपसे ये पूछना चाहता था कि मतलब वो जॉब वगैरह मतलब आपके वीडियो भी मैंने काफ़ी देखे हैं मतलब, तो इसलिए मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मज़े की बात यह है कि इतने सारे वीडियो देखने के बाद भी आपके मन में शक ऐसा हो रहा है कि शायद कोई वो जॉब वो दे देगा और आप उस जॉब को लेके कनाडा चले जाओगे, तो वो सब आप मान के चले वो सब नकली है। जब तक हमें उस इंसान का, उस आदमी का नाम पता नहीं है कि जो जॉब देने वाला, उसके बारे में जॉब का छोड़ो, आप जो जॉब दे रहा है उसकी छानबीन करो, ओके ओके ठीक सर, जॉब की तो बाद में हो जाएगी अपने आप। जो इंसान आपको जॉब दे रहा है, जो लॉयर है, जो कंसल्टेंट है, जो भी बीच में जो दलाल है जो आपको जॉब ऑफर कर रहा है, पहले तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, वो कौन है, वो लाइसेंस शुदा है कि नहीं है, वो कनाडा में रहने वाला है या बीकानेर में रहने वाला है, या हो सकता है कहीं गांव में आपके बगल में कहीं बैठा हो जो इंटरनेट में बना बना के आपको जॉब दे रहा है, ये भी हो सकता है। तो पहले तो उस आदमी के बारे में पता करो कि जो दे कौन रहा है, और फिर आगे क्लियर होगा। आप मान के चलो ये सब नकली है, क्योंकि जो जॉब जॉब ऑफर जो करते हैं, जो कनाडा का जो असली जॉब होता है, वो यूट्यूब पे नहीं आता भाई। क्या काम करते हो यहाँ पर आप? मैं सर इंश्योरेंस फील्ड में काम करता हूँ। इंश्योरेंस एजेंट हो आप? जी एजेंट भी हूँ और बाकी वो टीचर वगैरह भी हूँ। तो इंश्योरेंस का काम करने के बाद यहाँ पर न्यू फिनलैंड में आप जाओगे फॉरेस्ट में काम करने के लिए, तो ये काम आप कर लोगे वहाँ मजदूरी का? नहीं सर, मैं मजदूरी का तो नहीं, मैं एक सर मतलब जरिया ढूंढना चाह रहा था ना कि कनाडा में कैसे जाया जाए, फिर वहाँ तो जब एक बार पहुँच जाएंगे तो फिर वहाँ तो फिर जॉब अपना आप देख ही लेंगे। मेरा सर एम यही है कि मैं कोई अच्छा जॉब करूँ। जॉब पहले मिलेगा तब जाना होगा वहाँ पर, उसके बिना तो आप जा ही नहीं सकते। या तो अगर आपके पास कोई टूरिस्ट वीज़ा वगैरह हो, घूमने घामने जाओ, तो एक अलग बात है, घूमने के बाद कुछ मालूम पड़ जाएगा। कौन सी कंट्री गए हैं अभी तक आप? सर मैं अभी तो नहीं गया हूँ, लेकिन मेरे अंकल का लड़का लंदन में है, वो
और दुबई में भी एक लड़का अंकल का, लेकिन मैं सर कनाडा ही का ही सोच रहा था, कनाडा वगैरह लड़का भी आजकल आया हुआ है ना वो, तो मैं सर कनाडा का ही देख रहा था, सोचा था मैं। जब इंग्लैंड में और दुबई में आपके रिश्तेदारी है तो कनाडा का कैसे ख्याल आ गया आपके मन में? सर मेरा सर अब कुछ मेरे कुछ सिख है जो वो भी कनाडा ही गए हुए हैं, तो मतलब आपके जो कौन है? मतलब सिख होते हैं ना फ्रेंड वगैरह, जो सरदार सरदार वगैरह सरदार वो भी वगैरह गए जो हुए सिख हैं होते हैं, जो फ्रेंड होते हैं, आपके फ्रेंड हैं? जी सर। कहाँ के रहने वाले हैं ये? ये रुद्रपुर सर, रुद्रपुर उत्तराखंड। आप रुद्रपुर में हो? हाँ यस सर। अच्छा, आप रुद्रपुर में हो, तो वो भी गए हुए हैं, कनाडा गए हुए हैं इस वक्त? हाँ कनाडा गए हैं सर वो, लेकिन उनका मुझे एड्रेस नहीं मिल पा रहा, काफ़ी टाइम हो गया, तो वो आए भी थे हमारे यहाँ, तो और उनके हस्बैंड तो एक्सपायर हो गए थे शायद, तो उनके हस्बैंड उसी एक्सपायर हो कारण गए थे? दोस्त जी सर। के हस्बैंड या कौन औरत थी उनके लेडीज हस्बैंड थी ना आपके? कोई, हाँ कोई लेडीज थी लेडीज थी आपकी? तो अच्छा, जी, तो वो हमारे आती थी तो आप जी उन्हीं को जी कांटेक्ट करें, आप उनसे ही बोलें कि वो कनाडा में आपको जॉब दिलाएं, हो सकता है कि उनकी कोई जान पहचान निकल आए जहां पर वो काम कर रहे हो। बेटर तो यही रहेगा बिल्कुल कि सर। आप ये बताएं कि मतलब जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप वहाँ चेक करके बता दीजिए न्यूजीलैंड में, तो अगर कोई जॉब की फीस होगी तो सर वो मैं देने को तैयार हूँ नहीं, मेरे को फीस नहीं चाहिए आपसे, मेरे को कोई फीस नहीं चाहिए जी सर। आपसे। मैं फीस लेता हूँ जिनके केस रिफ्यूज हो गए हैं उनसे मैं फीस लेता हूँ, आपसे फीस नहीं चाहिए मेरे को। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मेरे को उस आदमी का नाम पता दो जो आपको जॉब दे रहा है, तो मैं आपको बारे में वो जो जो भी सिलसिला है वो आपको इन्वेस्टिगेट करके बता दूंगा। लेकिन आप मेरे को उस आदमी का नाम पता तो दो, कौन दे रहा है जॉब आपको? ठीक है सर, मैं फिर आपको देख के कुछ मतलब कुछ बताता हूँ फिर आपको। वो तो मैंने सर देखा था ना, आज ही देखा था मैंने, तो आपको कॉल किया मैंने, मतलब कई ना, दिनों से कॉल कर रहा था, लग ही नहीं रहा था। तो जब आपके पास एक सही उसका पता जी सर मिलेगा, जी आदमी का फोन नंबर वाला एड्रेस मिलेगा, तब जाके पता लगेगा कि कौन है। मान जी के सर चले वो नकली है सब, मैं जी सर मेरे को तो देखने से पहले ही पता है कि वो सब नकली है, क्योंकि जो असली जॉब्स होती हैं वो यूट्यूब पे नहीं एडवर्टाइज होती। वो आपकी बात सही है, बिल्कुल ठीक ही है। अब आप सोचो, कोई रुद्रपुर की कंपनी है कोई, हाँ जी हाँ जी अपना थोड़ा सा होश लगा के देखो कि रुद्रपुर की कंपनी है जिसको नौकरी के लिए आदमी चाहिए काम करने के लिए, तो वो क्या एडवर्टाइज यूट्यूब पे करेगी क्या? नहीं सर, तो फिर आपने कैसे सोचा कि कनाडा की कंपनी यूट्यूब पे एडवर्टाइज कर रही है कि नौकरी के लिए आदमी चाहिए, और वो भी इंडिया से आदमी मंगाओ यूट्यूब पे एडवर्टाइज कर रहे हैं? ठीक है सर, मैं कुछ अगर होता है तो डाउट में आपको फिर कॉल करूंगा, मैं उसको देख लेता हूँ, जान पहचान कर लेता हूँ। ठीक है। रुद्रपुर में ठीक है कैसा, सर, गर्मी गर्मी आजकल की नहीं, क्या है रुद्रपुर में तो गर्मी हो रही है बहुत, वहां भी? गर्मी हो रही है? कितना गर्मी कितना हो रही है टेम्परेचर नैनीताल है? में सर, मौसम सही हो रहा है नैनीताल वगैरह में ना, इस कितना साइड में टेम्परेचर है? टेम्परेचर ऐसे ही होगा सर 37-38 जी, 37-38। मतलब ठीक काफ़ी है, गर्मी है। काफी गर्मी है। ठीक है ठीक है। सर जॉब का हो तो बताइएगा ना, मतलब जॉब का मैं मैं काम करता नहीं मतलब भाई साहब, मैंने आपको बताया ना पहले भी, मैं जॉब का काम करता नहीं हूँ, और पुराने वीडियोस देखो भी आपको मालूम पड़ गया होगा कि मैं जॉब वगैरह में मैं वो मैंने सब दखलअंदाजी देख करता। लिया मेरा आपके। मेरा जो काम है, सिर्फ मेरा काम है जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाते हैं उसकी मैं अपील करता हूँ, बस इतना ही काम है मेरा। अच्छा, तो अगर कभी अगर आप रुद्रपुर आइएगा अगर आपका तो। वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया, और वो भी एक बार का रिफ्यूज़ नहीं देखता हूँ मैं, मेरे पास जो केसेस मैं जो डील करता हूँ पर्सनली, वो वही केस में डील करता हूँ जिनका वीज़ा 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार रिफ्यूज़ हो गया, वही मैं केस डील करता हूँ, बाकी नहीं डील करता मैं। ओके, सर रुद्रपुर आना हुआ है आपका कभी, मतलब रुद्रपुर वगैरह रुद्रपुर तो क्या मैं करें। कभी आया नहीं हूँ, मैं उस तरफ नहीं आया हूँ मैं, लेकिन देखूंगा शायद आना हो कि ना अच्छा हो। नेक्स्ट टाइम कब आना होगा सर आपका इंडिया। नेक्स्ट टाइम मैं अगस्त में मेरा प्लानिंग है मेरा दिल्ली आने का। रुद्रपुर मैं जाऊंगा नहीं जाऊंगा इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं, लेकिन अगर ख्याल ठीक है सर, बनेगा तो फिर आप आइएगा तो मिलेंगे आपसे सर, आप अगर दिल्ली आएंगे तो दिल्ली आ जाएंगे सर। हाँ दिल्ली आ सकते हो आप, कोई बात नहीं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू।